तो अभी टाइम हो चला है 11:37 और बोर हो रहा हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपसे थोड़ी सी बात कर लूँ। तो देखो, अक्सर वो मैसेज आते हैं कि सर, भैया या यार कि हम कंफ्यूज है कि क्या चुने, लव चुने, करियर चुने। ये वीडियो आखिर तक देखना और आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या चुनना है, लव चुनना है, करियर चुनना है। तो वेलकम बैक टू माई चैनल एवरी वन, आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, प्यार में कुछ नहीं रखा, सीरियस हो जाओ और करियर में ध्यान दो, क्योंकि लव इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एवरीथिंग। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको फिर भी प्यार, मोहब्बत, इश्क, लव करना है, तो गो ऑन, जाके अपना सब कुछ लगा दो प्यार में। पैसा, मम्मी पापा का पैसा, आपका वक्त, आपका ज़रूरत, आपके ड्रीम्स, वो लगा दो सब। और फिर जब आप उस मुकाम में पहुंचोगे, ब्रेकअप वाले मुकाम में पहुंचोगे, तो आप रिग्रेट करोगे कि काश मैंने रब जी की एक बात पे गौर किया होता, ताकि आज मैं यहाँ से यहाँ पहुँच चुका होता। तो थिंक अबाउट इट। तो करियर वो चीज़ है जो आप 11th 12th या 10th में आप अपना डिसाइड करते हो कि आपको मेडिकल में जाना है, नॉन मेडिकल में जाना है, सिविल लाइन में जाना है, आर्मी लाइन में जाना है, नेवी में जाना है, या डॉक्टरी परस्यू करनी है, इंजीनियरिंग परस्यू करनी है, या बाहर जाना है, कनाडा जाना है, यूएसए जाना है, या कहीं पे भी जाना है, दुनिया के एक कोने में जाना है, दुनिया के दूसरे कोने में जाना है, उसके लिए लगता है करियर। करियर फील्ड में बहुत सारी ऑप्शन है यार, जैसे पुलिस मैन, डॉक्टर, इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, होटल मैनेजमेंट, बर्गर किंग में काम कर सकते हो, डोमिनोज में काम कर सकते हो, डिलीवरी बॉय, और ये आपका नर्स। मेरा भाई, उंगलियाँ कम पड़ गई है मेरी, ठीक है। और अगर आपको बाहर जाना है तो कारपेंट्री परस्यू कर सकते हो, डिज़ाइनर बन सकते हो, इंटीरियर डिज़ाइनर बन सकते हो, या ड्राइवर बन सकते हो, आगे चल के आपका अपना एक रेस क्लब होगा, गोल्फ गोल्फर भी बन सकते हो, बिजनेसमैन भी बन सकते हो, तो बहुत कुछ बन सकते हो यार, अगर आपने प्यार में ध्यान नहीं दिया तो। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको फिर भी प्यार, मोहब्बत, इश्क, लव करना है, तो गो ऑन, जाके अपना सब कुछ लगा दो प्यार में। पैसा, मम्मी पापा का पैसा, आपका वक्त, आपका ज़रूरत, आपके ड्रीम्स, वो लगा दो सब। और फिर जब आप उस मुकाम में पहुंचोगे, ब्रेकअप वाले मुकाम में पहुंचोगे, तो आप रिग्रेट करोगे कि काश मैंने रब जी की एक बात पे गौर किया होता, ताकि आज मैं यहाँ से यहाँ पहुँच चुका होता। तो थिंक अबाउट इट। तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है करियर, वो इसलिए क्योंकि पहले मैं भी आपके जैसा था, वो टिंडर पे अपना अकाउंट बनाना, और मतलब जितने भी जो लोकल डेटिंग ऐप, उसमें अपना अकाउंट बनाना, मैच हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर भी बनाए रखना, टाइम पास करना, और पढ़ाई लिखाई में ध्यान ना देना, दुनियाबाजी करना, और वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एवरीथिंग। तो लेकिन एक दिन मैं किसी से बात कर रहा था, तो उसने मेरे को कहा कि बेटा, ये सब आवारागर्दी छोड़ दे, ये सब से मेरा मतलब है प्यार व्यार छोड़ दे। वो इसलिए क्योंकि लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट है करियर, मेरे लिए मेरे लिए, और अभी आपके लिए भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है करियर। क्योंकि यार, जब आप करियर अपना बनाओगे, तभी तो कोई लड़की आपको पसंद करेगी, या घर में बात करवाएगी, गर्लफ्रेंड बनेगी,
और गर्लफ्रेंड बनने के बाद शायद आपकी वाइफ भी बन जाए, तो फैमिली बनाने के लिए भी करियर का यूज़ करते हैं लोग। और करियर बनाने के और करियर को चूज़ करने के लिए भी करियर होना चाहिए मेरे भाई, मेरे दोस्त, प्रभु। तो हाँ, करियर, कोई करियर छोटा नहीं होता और करियर से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, ठीक है। चाहे आप एक इन्फ्लुएंसर ही हो, बॉडी बिल्डर हो, या पायलट हो, फ्लाइंग बीस की तरह, गौरव तनेजा की तरह, मुंबई का निखिल की तरह, चाहे आप डांसर ही क्यों ना हो, आपका एक करियर है, आपका एक करियर मेरे भाई, ठीक है। चाहे आप पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन से आ रहा है, क्या आपको पता है कि प्रधानमंत्री मोदी क्या थे अपने पास्ट में? चाय बेचते थे, चाय बेचते थे। जॉन अब्राहम, वो धीशुम का हीरो, फोर्स सीरीज का हीरो, वो क्या था? मॉडल था। और अब आपकी बारी है, अब समझ जाओ क्या कहना चाहता हूँ। तो लड़कीबाजी को रखो साइड में, टाइम आएगा बन जाएगी, टाइम आएगा बन जाएगी, मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ बन जाएगी, ठीक है। अभी पेपर नहीं है, मैं कह रहा हूँ बन जाएगी। और अगर आपको प्यार मोहब्बत करना है, या करो करो, लेकिन सिर्फ फ्रेंड जोन तक, फ्रेंड जोन करो, अपने आप को करना सीखो, क्योंकि जिस चीज़ में आप वो नहीं हो, स्पेशल नहीं हो, आपकी क्वालिटीज़ नहीं है, वो चीज़ आप नहीं बन सकते। कबीर सिंह आप नहीं बन सकते, कबीर सिंह में भी लास्ट में उसको प्रीति मिल गई थी ड्यू टू करियर, ठीक है। तो ये वीडियो देखने के बाद आप अपने मम्मी पापा को कहना कि आपके लिए, या मॉम डैड के लिए क्या इम्पोर्टेंट है था स्कूल टाइम पे, करियर या लव, वो बताएंगे। वो उनका जो आंसर होगा, वो आंसर पे आपकी लाइफ, आपकी जर्नी, आपका स्ट्रगल शुरू होता है, ठीक है। तो गली बॉय देखी है आपने? गली बॉय में वो मुराद, रणवीर सिंह, वो ड्राइवर था, ड्राइवर से कहाँ रैपर बना, कहाँ उसको ढिचिक 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 वाले वो मिले, और कहाँ हमें आज एमी वे बंटा है या नेजी दबा जैसा रैपर मिला। तो यार करियर पे ध्यान दो, ठीक है। और अगर फिर भी ये वीडियो ना समझ में आए, तो मम्मी पापा से पूछो कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। अगर करियर इम्पोर्टेंट है, करियर बनाओ, लव इम्पोर्टेंट है, लव पे कॉन्सेंट्रेट करो, लेकिन फ्रेंड जोन तक, फ्रेंड्स बनाओ, महिला मित्र बनाओ, लेकिन महिला मित्र मित्र से मेरा ये मतलब नहीं है गर्लफ्रेंड, बार बार कह रहा हूँ, गर्लफ्रेंड नहीं बनानी, महिला मित्र बनानी है, जो आपको समझे, आपके सुख दुख में आपका साथ दे, ठीक है। तो करियर बनाओ या लव बनाओ, मतलब करियर प्लानिंग करो, महिला मित्र भी होनी चाहिए, कि कोई होना चाहिए ना कि आपको बताए कि क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, जस्ट लाइक मॉम एंड डैड, क्योंकि मम्मी पापा से ज़्यादा प्यार कोई नहीं कर सकता। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, ज़्यादा हो गया है पता है मेरे को, सॉरी अगर आपको मेरी कोई भी बात का बुरा लगा हो, दिल से सॉरी, दिल पे हाथ रख के सॉरी मांगता हूँ। आपको कोई भी बात मेरी बुरी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, बार बार बोलता हूँ यार, अच्छा लगता है, सब्सक्राइब कर दो, और बस सोचो।